वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम आने में बस कुछ ही वक्त और रह गया है। तमाम सियासी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जिट पोल्स की माने तो 2020 में नीतीश कुमार के 15 साल के शासन का रथ थमने वाला है और तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स ने कांटे की टक्कर बताई है, तो दो एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को 150 से 180 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। टाइम्स नाउ सी वोटर्स के मुताबिक इस बार एनडीए को 116 सीटें और महागठबंधन को 120 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया ने महागठबंधन को 139 से 161 सीटें दी हैं, जबकि एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलने की बात कही गई है। न्यूज 18 टुडेज चाणक्यास के मुताबिक एनडीए को महज 55 सीटों से संतोष करना पड़ेगा और महागठबंधन को 180 सीटों पर जीत हासिल होगी। खैर, ये तो सिर्फ संभावनाएं हैं, असली नतीजों के लिए तो ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की तमाम संभावनाओं के बीच 2015 के चुनावी परिणाम पर नजर डालना तो बनता ही है, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 के एग्जिट पोल्स जनता जनार्दन के मन की बात पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। गौरतलब है कि 2015 के चुनावी एग्जिट पोल्स में टुडेस चाणक्या ने एनडीए को 155 सीटें और महागठबंधन को 83 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के एग्जिट पोल्स में एनडीए को 113 से 127 सीटें जबकि महागठबंधन को 111 से 123 सीटें मिलने का दावा किया गया था। निल्सन ने अपने एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को 130 सीटें दी थी, जबकि एनडीए के लिए 108 सीटों का अनुमान लगाया गया था। वहीं सी वोटर ने महागठबंधन को 112 से 132 और एनडीए को 101 से 121 सीट मिलने की बात कही थी। 2015 में राजनीतिक पंडितों की इन तमाम भविष्यवाणी को बिहार की जनता जनार्दन ने फेल कर दिया था, सिरे से नकार दिया था, क्योंकि शुरुआती रुझानों में तो एग्जिट पोल्स सही साबित होते दिखे, लेकिन दोपहर होते होते बाजी पलट गई थी और महागठबंधन ने 178 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो एनडीए 58 सीटों पर सिमट कर रह गया था, जबकि अन्य के खातों में सिर्फ 7 सीटें गई थी। तो दर्शकों, ये तो रही 2015 के चुनावी एग्जिट पोल के धराशायी होने की कहानी। चलिए अब आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के उन रोचक मोड़ के बारे में बताते हैं जिन्होंने सबको चौंकाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का सबसे बड़ा रोचक मोड़ रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव लड़ने का ऐलान। दूसरा रोचक मोड़ साबित हुआ है बागियों की बगावत, जिससे लगभग हर सियासी दल परेशान रहा। तीसरा राजनीतिक मोड़ रोचक बनाया लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने, जिन्होंने एनडीए से अलग होकर अकेले दम पर चुनाव लड़ा। चौथा सियासी रोचक मोड़ रहा जीतन राम माझी का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देना, जिसके कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि 2015 में बीजेपी ने हम लोजपा और रालोसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर बीजेपी को मात दी थी। हालांकि बाद में सियासी खेल पलटा और नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। इस बार जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी ने साथ चुनाव लड़ा है, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस और वाम मैदान में है। एलजेपी ने इस बार चुनाव में अकेले उतरने का दांव खेला था। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।